अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यास्मीन खान और डेली कश्मीरियत के प्रोग्राम हफ्तावार में आपका खैर मकदम है। डेली कश्मीरियत की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए डालते हैं इस हफ्ते में हुई कुछ खास खबरों पर एक नज़र। पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीर में भी ईद उल अज़हा काफ़ी जोश व खरोश से मनाई गई और सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रतबल में हुई, जहां लाखों की तादाद में लोगों ने ईद नमाज अदा की। اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آپ کا نام بہت زیادہ
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर में हुए बस हादसे में जान बहक अफराद के घर वालों को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल तकसीम की। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई यात्रियों, अफसरों और पोनी वालों से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नफाद के लिए फसल बीमा पर रियासती सतह की राबता कमेटी की मीटिंग की। हुकूमत ने होम स्टे और पेइंग गेस्ट हाउस रजिस्ट्रेशन के लिए तरीकाकार रहनुमाई खतूत का मुताला किया। परेशानी से पाक माहौल खड़ा करने की हिदायत दी। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड समापा ने मशहूर व मारूफ संगीतकार पंडित भजन सोपोरी की याद में अजीमो शान म्यूजिकल ट्रिब्यूट का एहतमाम किया। मारूफ फनकारों और ब्रॉडकास्टरों ने मरहूम भजन सोपोरी की खिदमात पर रोशनी डाली। सूफियों की तालीमात की गुनगुनाहट और गरज से इस सरजमीन का जर्रा जर्रा महकता था। अभी जैसा मैंने कहा, बहुत काम करने हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पे वैली के लिए। उनको गाइए, नए लड़के नए लड़कियां, बहुत अच्छे फनकार हमारे बीच हैं, नौजवान पौर, लेकिन उनको बिगाड़िए मत। दैट वॉज 30th मैं श्रीनगर आया और 2 जून को इनका SMS आया। इन्होंने कहा कि पहला SMS आपको किया, लेकिन मैंने वो देखा नहीं, तो आरिफ साहब ने मुझे करीब 4:30 बजे या 4:45 बजे टेक्स्ट किया, भजन जी इज़ नो मोर। डिस्को लिखने वालों आबाद दिखे, खुशहाल दिखे। आज के हफ्तावार प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।